एक बार जंगल में पक्षियों के राजा गरुड़ से असंतुष्ट होकर पक्षियों ने मोर की अध्यक्षता में आम सभा बुलाई। मोर ने पक्षियों को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, गरुण जी हमारे राजा हैं, पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज्य में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका कारण है कि गरुण जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं, हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याएं लेकर, फरियाद लेकर जंगल के राजा शेर के पास जाना पड़ता है। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचार करने के लिए ये सभा बुलाई गई है। हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे, और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मैं तोता जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाए हम राजा? सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। तभी चकोर बोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। चकोर जी का सुझाव बहुत दूरदर्शिता पूर्ण है। ये तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र भी दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। भाइयों, आप लोगों ने राजा बनाने का जो निर्णय किया है उससे मैं खुश हूँ। आप लोगों ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, मैं उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगा और आपकी सारी समस्याएं सुलझाने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। पक्षियों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों का रंग बिरंगी धागा उठाकर लाया और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगा। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। एक पक्षी ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बाकी चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बना डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में सजाने लगा। तभी दो मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वो चौंका। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं हूँ? ये जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अक्सर कस्बों और शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया। वो सिर पटका और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे? वो चूहे खाकर जीता है, और ये मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वो मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर हुआ। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। सब कहाँ गए? कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया।
सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू का राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौओं का बैरी बन गया। शिक्षा, किसी के खुशी में भंग ना डालें। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।